अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं ए बी और सी। ये तीन मैट्रिसेस गिवन हैं। वी हैव टू शो दैट ए इंटू बी माइनस सी इज़ इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो अब हमने इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है a इंटू बी माइनस सी। तो सबसे पहले हमने मैट्रिक्स a को लिखना है। तो मैट्रिक्स a हमारे पास 3, 5, 2, 7, उसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर b माइनस सी। तो b हमारे पास है -1, 2, 4 and 3 और उसके बाद b के बाद माइनस साइन है, माइनस साइन के बाद मैट्रिक्स c लिखना है। 4, -3, 1, 6 और ब्रैकेट क्लोज। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट के अंदर दो मैट्रिक्स को हमने माइनस करना है। तो बाहर जो हमारे पास मैट्रिक्स उसको हम एज इट इज़ लिखना है। 3, 5, 2, 7 और ब्रैकेट के अंदर जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास है ये -1 और इसके बाद बीच में ये वाला माइनस साइन है। तो -1, -4 तो -1, -4 सिमिलरली 2, -3 बीच वाला माइनस है यानी 2 ब्रैकेट में -3। इसके बाद 4 से हमने माइनस करना है क्या 1 तो 4, -1। नेक्स्ट 3, -6 3, -6 और अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3, 5, 2, 7 यहाँ हमारे पास आता है -1, -4 करते हैं तो -5 आता है। 2 ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे तो 2 + 3 = 5 और उसके बाद है 4, -1 से आता है 3 और 3, -6 = -3। तो ये लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है। अब हमने इनको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन का क्या तरीकाकार है कि सबसे पहले हमने इस रो को लेना है यानी फर्स्ट रो को बारी बारी हमने पहले इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद हमने सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला नंबर यानी यहाँ पर हमारे पास -3 है तो ये -3 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ। तो 3 × -5 और उसके बाद हमने लिखना है प्लस और अब हम दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं यानी 5 × 3। अब इसी ही रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 3 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ तो 3 × 5 प्लस अब 5 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ तो 5 × -3। अब हमारे पास जो फर्स्ट रो है इसकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 × -5 प्लस 7 × 3। उसके बाद सेकेंड कॉलम की बारी है तो यही 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ तो 2 × 5 प्लस अब 7 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ 7 मल्टीप्लाई -3। now this is equal to left hand side हमारे पास आ रहा है अभी तक, तो लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास क्या है a इंटू बी माइनस सी है, दिस इज इक्वल टू अब मल्टीप्लाई करें 5 3 ज़र माइनस 15 आ जाता है और 5 प्लस मल्टीप्लाई 3 से प्लस 15 आता है। इस तरह से यहाँ पर भी 15 और माइनस 15 आता है और 2 5 ज़र 10 माइनस 10 प्लस 7 3 21 2 5 ज़र 10 और 7 3 मल्टीप्लाई करें तो माइनस 21। तो ये आ जाता है -15 प्लस 15 से 0 आ जाता है, 15 माइनस 15 ये भी 0 आ जाता है और -10 प्लस 21 से 11 आ जाता है और यहाँ पर भी 11 आ जाता है विद नेगेटिव साइन -11। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से भी यही आंसर आना चाहिए क्योंकि हमने प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो अब लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है ए बी माइनस ए सी। तो ए बी, तो ए और बी मल्टीप्लाई करते हैं तो ए है 3 5 2 7 मल्टीप्लाई बी -1 2 4 3 माइनस ए 3 5 2 7 multiply with matrix C 4 - 3 1 6। क्या किया मैंने यहाँ पर जस्ट वैल्यूज हमने पुट कर दी। ये मैट्रिक्स A की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये मैट्रिक्स B की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव साइन है और उसके बाद हमने मैट्रिक्स A दोबारा से लिखा और इस तरह से मैट्रिक्स C की वैल्यू डाल दी। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो में क्या है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ -1 के साथ। तो 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस अब सेकेंड एलिमेंट के साथ तो 5 मल्टीप्लाई 4। अब इसी रो को सेकेंड कॉलम के फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद है सेकेंड रो की बारी। सेकेंड रो 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं प्लस इस तरह से 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड कॉलम की बारी है तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है माइनस। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है हमने यहाँ पर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। उसके बाद सेकेंड कॉलम की बारी है तो 3 मल्टीप्लाई -3 प्लस 5 को अब 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 5 मल्टीप्लाई 6। नाउ सेकेंड रो 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 7 मल्टीप्लाई 1। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई -3 7 मल्टीप्लाई 6। अब सिंप्लीफाई कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करके -3 प्लस 26 प्लस 15 नीचे 2 मल्टीप्लाई -1 -2 प्लस 7 4 28 नेक्स्ट 2 2 4 प्लस 7 3 21 मल्टीप्ला माइनस बीच में माइनस साइन है 4 3 12 प्लस 5 और अब -9 प्लस 30 2 4 8 प्लस 7 2 3 -6 प्लस 42 मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू यहां से आ जाता है -3 प्लस 20 से 17 प्लस 21 और ये प्लस 26 और ये आ जाता है प्लस 25 और उसके बाद माइनस साइन है। नेक्स्ट है यहाँ से क्या आएगा 17 यहाँ से क्या आता है 21 और यहाँ से क्या आ जाता है 15 और यहाँ से क्या आता है 36। अब हमने इनको क्या करना है माइनस करना है क्योंकि इनके बीच में कौन सा साइन है माइनस साइन है। तो ये आ जाता है 17 माइनस 17 यानी इस 17 से इस वाले 17 को माइनस किया देन 21 माइनस 21 देन 26 माइनस 15 देन 25 माइनस 36। तो यहाँ से आ जाता है 17 माइनस 17 0 21 माइनस 21 0 26 माइनस 15 11 और 25 माइनस 36 माइनस 11 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये रिजल्ट हमारे पास राइट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या था AB माइनस AC। तो इक्वेशन नंबर 1 में भी यही आंसर आया था और इक्वेशन नंबर 2 में इज equation number 1 is equal to equation number 2, therefore left hand side is equal to right hand side, hence proved.